बुरहानपुर की, जहां पर जिले की दो विधानसभा सीट बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा की मतगणना 3 दिसंबर यानी कि कल होगी। जिला प्रशिक्षण केंद्र पर ये मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने पुलिस कप्तान दीपेंद्र पाटीदार और अन्य आला अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल से पूर्व मॉक ड्रिल की है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बुरहानपुर में 20 राउंड और नेपानगर में 22 राउंड में मतगणना की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी इस मतगणना सुरक्षा को अंजाम देने वाले हैं। मतगणना को लेकर शहर भर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तारीख को हमने एक रिहर्सल रखी है, जो पुलिस और अपने जितने भी कर्मचारी काउंटिंग में लगे हैं उनकी एक संयुक्त रिहर्सल है, ताकि एक्सेस कंट्रोल को लेकर एवं काउंटिंग को लेकर पूर्ण रूप से सबको अवगत करा सकें, और अगर कुछ माइन्यूट इश्यूज हमको आइडेंटिफाई होते हैं तो इस मॉक ड्रोल में ही आइडेंटिफाई हो जाए और इसके बाद हम उसको सुधार कर सकें। कितने राउंड में होगी मैडम काउंटिंग? हमारी बुरहानपुर की 20 राउंड में काउंटिंग कम्प्लीट होगी और नेपानगर की 22 राउंड में काउंटिंग। शहर में संभावित आंकड़े कब तक आ जाएंगे मैडम दोनों विधानसभा के? हम अपेक्षा करें कि 3 बजे तक हम अपना काउंटिंग कंप्लीट करें, 3 से 5 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। शहर में क्या व्यवस्था है मैडम इसकी? शहर में हमने 3 लोकेशन पे एक एलईडी टीवी लगाया है, टीवी की व्यवस्था रहेगी और जैसे जैसे यहाँ पे राउंड कंप्लीट होते रहेंगे उसकी जानकारी हम वहाँ पर अपने कर्मचारियों को देंगे, जो स्पीकर के थ्रू उसकी अनाउंसमेंट राउंड वाइज की किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले उसकी जानकारी सभी को देंगे। मैडम इसमें टोटल कितने कर्मचारी? बुरहानपुर नेपानगर मिलाकर एवं BSNL MPB PWD नगर निगम।